अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हम मौजूद हैं जी इम्पोरियम के अंदर। क्यों आए हैं जी? शॉपिंग करने आए हैं, क्योंकि हर ब्रांड पर जो है वो सेल वगैरह लगी हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी जो है वो शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, और इसीलिए जी आज हम लोग आ गए हैं इम्पोरियम। मैंने व्लॉग को एंड तक देखना है। अभी फिलहाल हम लोग जो है ना वो फैंसी वेयर ड्रेसेस वगैरह जो है वो देख रहे थे आगे, क्योंकि आने वाले हैं कुछ इवेंट्स। जब वो इवेंट्स आएंगे आप लोगों के साथ, वो इवेंट्स भी जो है वो मैं शेयर करूंगी। अभी फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पर कुछ फैंसी वेयर ड्रेसेस देख रहे थे। वैसे भी वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो लोग जो है वो तैयारियाँ वगैरह कर रहे हैं उन लोगों को थोड़े से आइडियाज़ वगैरह मिल जाएँ। इस ड्रेस का डिज़ाइन जो है वो कुछ अच्छा लग रहा था मुझे। ऊपर गाउन स्टाइल है, नीचे फ्रॉक थी, और ये भी कुछ फैंसी वेयर ड्रेसेस हैं, और ये जो है वो ग्रीन कलर का मेहंदी वगैरह के इवेंट्स पे जो है वो चल सकता है। तो आप लोगों को ये सारे ड्रेसेस देख के कुछ आइडियाज़ वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप लोगों की फैमिली में कोई इवेंट आने वाला है, कोई शादी आने वाली है, तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और यहाँ पर ये देखें, ये था जी गरारा, जो कि पिंक और लाइट पिंक कलर में था, शॉकिंग पिंक और लाइट पिंक कलर में था। और यहाँ पर इस पे पूरे पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी थी, ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड था। शर्ट जो है वो भी बहुत प्यारी थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी, लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव भी थी ये, लेकिन अच्छा लग रहा था ये। इसका कॉम्बो जो है ना, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था। उसके बाद यहाँ पर ये भी जो है वो फैंसी वेयर में आता है। ये कुछ जो काट का और जामावर टाइप का कपड़ा था, फैब्रिक था, रेड कलर का था। और यहाँ पर जी आ जाते हैं जी लॉन के ड्रेसेस अनस्टिच। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखे, फैंसी वेयर भी देखे, और जो जो देखा वो आप लोगों के साथ में साथ साथ शेयर करती गई। और यहाँ पे ये सारी जी अनस्टिच की कलेक्शन है खाड़ी पर, और ये एक बहुत प्यारा ड्रेस था जो कि मुझे खाड़ी पे बहुत प्यारा लगा। अभी कैमरे में इतना प्यारा नहीं आया, लेकिन रियल में ये बहुत प्यारा था। ये फ्रॉक थी और काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर वाली फ्रॉक थी, और ये वाइट गोल्डन कॉम्बो में थी, और ये सारा जो है ना इस पर बहुत प्यारा सा काम सा था, और वहाँ पे ये बहुत प्यारी लग रही थी। अभी मुझे पता नहीं कैमरे में कैसी आ रही है, लेकिन रियल में बहुत अच्छी थी। उसके बाद एक ये हमारे पास खाड़ी पे जो है ना, ये एक फैंसी वेयर ड्रेस था। इसका भी स्टाइल जो है वो अच्छा था, ओपन शर्ट थी। आगे ये सारी हमारे पास ये खाड़ी की प्रेड कलेक्शन आ जाती है, जो कि बहुत ही प्यारी थी। ये सारे न्यू अराइवल्स भी हैं इसके अंदर, और कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर था जी डिस्काउंट, जिन पर थी सेल। और यहाँ पर जी आ जाती हैं फ्रेगरेंसेस किसकी, खाड़ी की, ये भी खाड़ी की है। और ये सारी हैं जी बॉडी मेस परफ्यूम्स वगैरह, सारी खाड़ी की। और जो भी हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की होगी, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसीलिए जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी शॉपिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। यहाँ पर जी अच्छा, जो खाड़ी के ऊपर जितनी भी मुझे जो ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे ना, वो सारे मस्टर्ड कलर में थे, और मस्टर्ड कलर के काफ़ी मेरे पास जो है वो ड्रेसेस वगैरह थे, तो वो मैंने नहीं दिए फिर। लेकिन मस्टर्ड के अंदर कलेक्शन खाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं ट्राई कर रही थी कि खाड़ी के सारी कलेक्शन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं। इनके प्रिंटेड ऑल ओवर ड्रेसेस जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, उनके प्रिंट बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर जी ये सारी जो है ना वो प्यारे प्यारे से ड्रेसेस हैं जो मुझे अच्छे लग रहे थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इसमें शेयर किए हैं। और यहाँ पर ये वाला ड्रेस जो है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी खाड़ी पे ही है, और ये यानी कि येलो, वही मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड कलर आ जाता है, इसीलिए मैंने नहीं लिया, वरना बहुत प्यारे थे ये दोनों ड्रेसेस जो थे ना, वो बहुत अच्छे थे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कमेंट भी कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोग किस टाइप की वीडियोस देखना जो है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, फैशन से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड या डेली व्लॉग्स। काफ़ी ज़्यादा जी घूम फिर कर, शॉपिंग वगैरह कर हम लोग जी थक चुके थे, और भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग हाउडी पे चलते हैं और वहाँ जाके कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम लोग जी जा रहे हैं हाउडी पर कुछ खाने के लिए। जी डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर करना है, और इस काम में मेरे ख्याल से सबको ही काफ़ी टाइम लगता है कि उन्होंने क्या ऑर्डर करना है। और फाइनली हमारा ऑर्डर जी आ चुका था, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर की थी, इनकी एक डील ऑर्डर की थी, जिसमें 4 जो थे वो बर्गर थे,
और फ्राइज़ थे और साथ 2 चिकन पीसेस थे। तो ये हम लोगों ने जी एक डील जो है वो ऑर्डर कर ली थी इनकी, और ये था जी इनका कुछ डील जो कि बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। तो ये इनकी डील थी जिसमें 4 जो बर्गर्स आ गए थे, फ्राइज़ आ गई थी और 2 चिकन के पीसेस आ चुके थे। अच्छा, अब जो डील जो है वो पसंद क्यों नहीं आई थी, उसकी रीज़न ये थी कि जो इनका चिकन के जो 2 पीसेस इन्होंने दिए थे डील के अंदर, वो जो थे ना वो कुक नहीं थे, प्रॉपरली कुक नहीं थे। और फिर हम लोगों ने उन्हें कहा था कि ये प्रॉपरली कुक नहीं है, देन वो दोबारा लेके गए और उसी को जी डबल फ्राई करके जब वो ले आए तो वो बिल्कुल ऑयली ऑयली हो चुके थे, इसलिए बिल्कुल मज़ा नहीं आया। देन हम लोगों ने साथ ही ऑर्डर किया था ये चिकन स्टेक जो कि मज़े का था। एंड उसके बाद जी खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ मीठा खा लेते हैं, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से ले लिए जी डोनट, और ये डोनट जो थे वो मज़े के थे। देन जी हम लोगों ने करनी थी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग, हमारी हो चुकी थी डन। उसके बाद जी एंड पर हम लोगों ने की कुछ ग्रॉसरी, और यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी थोड़ा सा ब्लॉग जो है वो मैं इसको भी ब्लॉग के अंदर ऐड कर लूँ, तो इसीलिए जी मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी जी ब्लॉग बना लिया। और यहाँ पर जी मामा जो है वो देख रही थी कुछ किचन आइटम्स वगैरह और क्रॉकरी वगैरह वो देख रही थी, और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ क्रॉकरी वगैरह। यहाँ पर क्रॉकरी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। और ये था जी आज का हमारा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।